चलती रह, 6 रन आया है। जी मैडम। और ये एक मिनट, दो, तीन, चार। ओहो, आपकी गोटी गई दीदी। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि काजल माथुर और मीनाक्षी माथुर के बीच में एक बहुत ही जोरदार लूडो का मैच चल रहा है। 5 मैच की सीरीज में से काजल माथुर पहले ही 2 मैचेस जीत चुके हैं। देखना ये है कि आगे वाला मैच काजल माथुर जीत पाती है या नहीं, और अगर आज वो ये मैच जीत जाती है तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मीनाक्षी माथुर के हाथ से ये सीरीज निकल जाएगी। चलो चलो, आप खेलो, किस्मत बदलते देर नहीं लगती, मेरा आएगा 6। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहिए। गुड गुड। दीदी, मैं तो कहता हूं कि आप ना घर पे बैठकर ही आराम करो, वहीं पे। हाँ, अब यो देखो। और एक और सिक्सर। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमारे को सिर्फ 5 की जरूरत है। भगवान प्लीज 5 दिला दो। अब देखो, और काजल माथुर आगे बढ़ रही हैं, बहुत ही जज्बे के साथ, बहुत ही शानदार खेल रही हैं। और ये यानी कि ये मैच काजल माथुर जीत चुकी है। 1, 2, 3, 4, 5। और ये पूरी सीरीज यानी कि ये मैच मीनाक्षी माथुर हार चुकी है। दीदी, आप तो हार गई। ओए, हार गई। हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। काजल, क्या हुआ, काहे इतना शोर मचा रही हो? कोनो बड़ी वाली लॉटरी लग गई है का? और इतना काहे उछल रही हो? बापू, यो सुनकर आज आपको मारे पे बड़ी खुशी होगी। वो क्या है ना, आज मन्ने दीदी को सीरीज में हरा दिया, मतलब मैं जीत गया। क्या आईपीएल जीती हो? नहीं नहीं बापू, लूडो की सीरीज। हो दादा, इनका देखो, वहाँ पे राधिका कंपटीशन का एग्जाम देने इलाहाबाद गई है और ये लोग लूडो का मैच खेल रहे हैं। जो भी हो मम्मी, जीत तो जीत हो वैसे, और हार हार। देखो बेटा, क्रिकेट का मैच जो है ना, वो बहुत बड़ा माना जाता है। उसमें अगर कोई जीत जाए तो इतना चिल्लाना कूदना जो है वो जस्टिफाइड है। ये लूडो के मैच जीतने पर इतना का है, समझ में नहीं आ रहा। बच्चों का खेल है। ए जी, वैसे भी एक बित्ते के खेल लूडो पर इतना चिल्लाना सिर्फ 2 बित्ते के बच्चों को ही शोभा देता है। हाँ करेक्ट। अरे, 1 बित्ते के खेल लूडो को जीतने पर इतना चिल्लाना 2 बित्ते के बच्चों पर ही शोभा देता है। हाँ। है ना मीनाक्षी? अरे वो भी समझ गई से। चल चल, डिंक चिकार, डिंक चिकार, डिंक चिकार। था उसको बुरा लग गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। आयो दादा, ए जी, इन दोनों को मिलाने के लिए ना आप ही को कुछ करना पड़ेगा। भाई मीनाक्षी, कितनी टेस्टी सब्जी बनाई है ना, है? बनाई है कि नहीं? मैं कहता था ना भाई, तो तुम्हारी माँ के हाथ में जादू है, जादू। नमक थोड़ा कम है सब्जी में। हो सकता है जादू थोड़ा कम हो गया हो। <थारी आपने। laughs> स्वीटी, नमक पास करना। ज्यादा स्वीटी, नमक पास करना। जल्दी। अरे बीना, तुम्हारा पिछले दिनों वो समोसा और मटरी बनाने का बड़ा मन हो रहा था, है? हाँ हाँ, लेकिन उसमें तो सबकी मदद लगेगी हमें। मैं तो रेडी हूँ खाने के लिए। वैसे बापू, मैं भी रेडी हूँ आपके साथ खाने के लिए। फालतू लोगों की फालतू बातें।
अरे भाई सिर्फ खाने से काम नहीं चलेगा, सबको बनाने में मदद भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना? हाँ। इन दोनों के बीच में मामला काफी सीरियस हो गया है, लगता है कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, किसको चाहिए रोटी? हमारे पास तो है भैया। बहुत बढ़िया बना, वाह, दाल अमेजिंग है। ए छोटू, तुम खाना काहे नहीं खा रही हो? मुझे भूख नहीं है। अयो दादा, कोई बात नहीं, अभी जब सब लोग मटरी और समोसा बनाएंगे ना तो देखकर ही तुम्हारी भूख जाग जाएगी। नहीं, मुझे ना बनाना है ना खाना है। अरे जल्दी बनाइए ना मटरी और समोसे। समोसे का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी क्या सुनामी आ रहा है। स्वीटी, ये सारी की सारी मटरियां कच्ची हैं, एक भी ढंग से फ्राई नहीं हुई है। लेकिन मैं तो बहुत अच्छे से सजा रही हूँ, फिर कैसे कच्ची रह रही हैं? मेरी गलती नहीं है स्वीटी, क्योंकि मटरियां सजाने से फ्राई नहीं होती, ढंग से फ्राई करने से फ्राई होती हैं। ओके ना स्वीटी दीदी, मटरियां जो होती है ना उन्हें पतली पतली बेली जाती हैं ताकि वो ढंग से फ्राई हो, मोटी मोटी लिट्टियां फ्राई ना हो वैसे। तो स्वीटी, फिर मोटी मोटी लिट्टियां कैसे फ्राई हो जाती हैं? एक मिनट, आप दोनों मटरियां बना रही हैं या मुझे लपेट रही हैं? स्वीटी दीदी, जो लोग लूडो के गेम में हार जावे से ना, वो यू मोटी मोटी मटरियां बनाकर अपना गुस्सा निकाले से, जिससे मारे को डांट पड़े और मटरियां भी अच्छी ना बने। अब जिन्हें काम करना नहीं आता है उनके पास तो लाखों बहाने होते हैं, और जिन्हें खेलना ना आवे से वो हार जावे से। आई हो दादा, तुम लोग हमारा काम में हाथ बटाने आई हो या झगड़ा करने? मैदे से मटरी बनाओ, तिल का ताड़ मत बनाओ, समझी? कि पापा, किसी को बनाना है तो बनाए ना, यहाँ तो मटरियाँ फ्राई होने के बाद भी कच्ची रह जा रही हैं। अयो दादा, तो कच्ची मटरियाँ कौन खाएगा? वही खाएगा जो बना रहा है। हाँ, और जिसे नहीं खाना वो ना खाए। ये खाना भी नहीं है, मत खाओ। भगवान बिना भाई, इनका झगड़ा तो बढ़ता ही चला जा रहा है। परेशान मत होइए, देखेगा बहुत जल्द ही ना एक दूसरे के सुर से सुर मिलाने लगेंगी दोनों। गाना तो मैं गाती हूँ, फिर सुर से सुर ये दोनों क्यों मिलाएंगी? हाँ, ये लीजिए आपकी चाय और मटरी। क्या बात? आयो दादा, यह हमारा लूडो है जिसकी वजह से काजल और मीनाक्षी में झगड़ा हुआ है। तो बंद ही कर दो। मैंने आपके पार्लर से कल शाम 5 बजे की अपॉइंटमेंट ली थी और आप लोगों ने मुझसे बिना पूछे ही कैंसिल कर दी, ये कैसा तरीका है? नहीं नहीं, वैसे भी आप लोगों के पार्लर की क्वालिटी बहुत ही खराब हो गई है। मेरी फ्रेंड बता रही थी कि कल वो आपके पार्लर आई थी फेशियल कराने और उस बेचारी का पूरा फेस ही काला पड़ गया, बहुत गलत किया आपने उसके साथ। मैं तो आपके पार्लर अब कभी भी नहीं आने वाली। सॉरी, व्हाट सॉरी? हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा धीरे भाई, काय इतना चिल्ला रही हो? हाँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल करने की? कभी नहीं आने वाली मैं आपके पार्लर, बाय। गांव में जब शादी होती थी वो ऐसे लाउडस्पीकर लगाते थे ना, पेड़ के सबसे ऊंचे वाले पेड़ के सबसे ऊपर रखा जाता था ताकि दूर दूर तक सबको सुनाई दे। ये हमारी स्वीटी भी कुछ वैसे ही है, हमारे घर की लाउड स्पीकर जहाँ भी रखो आवाज दूर तक जाएगी। आयो दादा, इस स्वीटी का चक्कर छोड़िए और यही सोचिए कि मीनाक्षी और काजल के झगड़े की वजह से घर का माहौल जो खराब हो रहा है ना, उसे कैसे ठीक किया जाए। हम भी यही सोच रहे थे, कुछ ऐसा हो जाए कि ये दोनों की बातचीत एक दूसरे से फिर से पहले की तरह हो जाए। ये क्या किया? वही पेंटिंग बनाई से जो आपने यहाँ बनाई है। तो मैंने अरे, आपने यो सब इसलिए किया क्योंकि आप लूडो के हार का बदला लेना चाहती थी मारे से। मैंने तुम पर जानबूझकर इंक नहीं फेंकी है, मैंने ऐसे अपना पेन झटकाया तो गलती से तुम पर इंक चली गई। तुमने ये लेकिन क्यों किया? क्योंकि आपने मारे पे पहले इंक फेंकी थी। अच्छा, क्या हो रहा है, क्या किया? देखिए ना बापू, दीदी ने लूडो के हार का बदला लेने के लिए मारे पे जानबूझकर इंक फेंकी।
पापा मैंने जानबूझकर इसके ऊपर इंक नहीं फेंकी, बल्कि इसने जानबूझकर मेरे ऊपर इंक फेंकी है और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ तुम्हारे को भी बर्दाश्त ना सही हो सब। हाँ खेलना नहीं आता इसलिए आप हार गए, लेकिन अब तो वही बात हो गई ना, खिसियाई बिल्ली कम्मा लोचे। पापा इसको बाहर ले जाओ, इसको आप यहाँ से बाहर ले जाओ। अरे ले क्यों जाओ, जिसको जाना है वो जाए ना। एक मिनट शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या हो रहा है, दोनों दुश्मन की तरह लड़ रहे हैं। अरे कुल खानदान मान मर्यादा का कोई लिहाज है कि नहीं? मम्मी मैं इसके साथ इस एक कमरे में नहीं रह सकती। हाँ तुम्हारे को भी नहीं रहना आपके साथ, या तो जे रहेंगे या तो मैं। हाँ तो तुम जाओ, मैं क्यों जाऊँ? मैं क्यों जाऊँ, जितना ये आपका कमरा है उतना ही मारा भी कमरा से है। हाँ से बात करना ही बेकार है, मैं ही चली जाती हूँ। तो मैं क्यों रुको, मैं भी जा रहा हूँ। अरे 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 अब क्या करें? देखो बेटा मीनाक्षी, तुम लड़कियों में सबसे बड़ी हो, तुम्हें काजल को थोड़ा प्यार से हैंडल करना चाहिए था। पापा उसने मुझ पर जानबूझकर इंक फेंकी थी, मैंने उस पर जानबूझकर इंक नहीं फेंकी थी। दीदी ने ना मारे पे इंक ना जानबूझकर फेंकी से, हाँ अपनी हार का बदला लेने के लिए। अरे तुम छोटी हो, बड़ों से कोई बदला लेता है का? मम्मी आप क्यों उनकी साइड ले रही हैं? हाँ और गलत बात बर्दाश्त कर लेके। लेकिन बर्दाश्त कर लेने से तुम छोटी थोड़ी ना हो जाओगी। वो बात थोड़ी है पापा, पर अगर मैं हार गई तो ठीक है, इसमें चिढ़ाने वाली कौन सी बात थी? देखो खेल में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन हारने के बाद गुस्सा भी तो नहीं दिखाना चाहिए था ना मम्मी। अयो दत्ता काजल तुम समझती काहे नहीं हो, सिर्फ तुम्हें ही नहीं किसी भी बहन को मीनाक्षी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, कहे की वो सबसे बड़ी है। लो मैं कब बुरा मानी? बुरा तो वो मानी अपनी हार का। मुझे अपनी हार का बुरा नहीं लगा पापा, पर उसे मुझे इस तरीके से चिढ़ाना नहीं चाहिए। चलो माना उससे गलती हो गई, लेकिन बड़ों का भी तो फर्ज बनता ना बेटा कि छोटों को माफ कर दें। अब चलो चलो चल के माफ कर दो उसको। आप कहती हैं तो मैं चलूं सो। जय बात चल। आजा 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 इधर आ। चलो मांगो माफी। आपने सोच पे कैसे लिया दीदी कि मैं आपसे माफी मांगूंगा? क्योंकि जिसकी गलती होती है वही माफी मांगता है। अच्छा और मैं जान सकूं कि मारी के गलती से? हाँ एक मिनट मैं इसका जवाब देता हूँ। मैंने आपको तीन तीन बार लूडो के गेम में हरा दिया, यो मारी गलती है ना? नहीं तुमने मुझ पर इंक फेंकी, मुझे चिढ़ाया, वो तुम्हारी गलती है। काजल माफी मांग लो ना। अरे मीनाक्षी बेटा तुम माफ कर दो ना काजल को। भाई माफी मांगे तो सही। अरे जब मारी कोई गलती ना है तो मैं क्यों माफी मांगू? देखा आप लोगों ने इसे सर पे चढ़ा रखा है, लड़कों जैसे कपड़े पहनने और भाईगिरी करने की छूट दे रखी है ना, इसलिए इतना रौब जमा रही है। दीदी मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही हूँ, इससे आपको क्या प्रॉब्लम्स है? देखो 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 कैसे बड़ी बहन से बात कर रही है ये। मम्मी आप इन्हें समझा दीजिए। पापा आप इसको समझा दीजिए। अरे वो के समझावेंगे, मैं आपको बताती हूँ। क्या समझने? अरे बस करो तुम दोनों। आई हो दादा, सुबह से रट लगाई हो, भूख नहीं है भूख नहीं है भूख नहीं है। सच मुझे भूख नहीं है। अरे कुछ खा का नहीं रही हो? भूख नहीं है। पर का है भूख नहीं है? पता नहीं। अयो दद्दा पता नहीं कि भूख नहीं है तो तुमको पता का है? यही कि भूख नहीं है। अच्छा अगर होटल से खाना मंगवाएंगे तो भूख लग जाएगी? छोटा मुंह बड़ी बात, भूख भूख होती है, खाना खाना होता है, जब भूख लगती है तब खाने की जरूरत पड़ती है, पर अभी भूख ही नहीं है। अयो दद्दा हेलो निशा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पर वो क्या है ना स्कूल में सब मुझे मोटी मोटी कह के चिढ़ाते हैं, इसलिए मैंने पतली होने का सोचा और उसकी वजह से खाना छोड़ दिया। छोटू बेटा हम सब सुन ले, तुमसे एक बात कहें। देखो बेटा
खाना छोड़ देने से कोई पतला नहीं होता। पतले होने के लिए तुम्हें वर्जिश करनी पड़ेगी, कसरत करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, संतुलित और पौष्टिक खाना समय के साथ खाना पड़ेगा। खाना नहीं खाओगी ना तुम पतली नहीं होगी, कमजोर हो जाओगी बेटा। तो मैंने कब कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगी? तो हम कब मना के कि हम खाना नहीं देंगे? खाओ, खिला दें। हाँ। ओहो, इस बार निशाना फिर से गलत लग गया। अब तक इनका स्कोर है 6 और स्वीटी माथुर का स्कोर है 19। मुझे तो लगता है राधिका माथुर का निशाना चूक जाने की असली वजह ये है, उनके चश्मे का बार बार खिसकना। चलिए अब गेम को आगे बढ़ाते हुए अब बारी है स्वीटी माथुर की। थैंक यू। अब मैं दिखाती हूँ। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। राधिका माथुर का स्कोर अब भी 6 है। अब वो अपना आखिरी चांस आजमाएंगी। राधिका दीदी, ये आपके पास एक आखिरी चांस है, तो जरा संभल के। इस बार मैं बिल्कुल नहीं चुकने वाली, तू बस देख स्वीटी। मैं देख रही हूँ, वॉच इट। गेम में तो हार जीत होती रहे, वैसे तो आप राधिका दीदी को परेशान क्यों कर रही इसे? अरे क्या हुआ, आप कौन हार गया, काई शोर मचा रहे हो? पापा, मम्मी देखिए ना, स्वीटी ने मुझे डार्ट बोर्ड गेम में हरा दिया, तो अब वो मेरा मजाक उड़ा रही है और मुझे चिढ़ा रही है। स्वीटी, अपनी दीदी को चिढ़ाते हुए शर्म नहीं आती का? मम्मा, शर्म तो दीदी को आनी चाहिए क्योंकि वो अपनी छोटी बहन से हार गई। स्वीटी दीदी, गेम में कोई ना कोई हारता है और कोई ना कोई जीतता ही है, लेकिन उसका मतलब यो ना से कि जीतने वाला हारने वाले का मजाक उड़ा है। अरे भाई, वो इसलिए हंस रहे हैं, जैसे कि अभी क्या हुआ, स्वीटी ने राधिका को हरा दिया हैं? और उसकी हार पे वो जोर जोर से हंस रही थी, करेक्ट? और तुमको ये बात बहुत बुरी लगी है ना, गलत है ना? लेकिन ठीक ऐसे ही तुमने भी तो अपनी मीनाक्षी दीदी को हराया था, और तुम भी तो बहुत जोर जोर से हंसी थी, नाची भी थी, तो क्या वो गलत बात नहीं थी हैं? हाँ, बस यही समझाने के लिए हम सब लोगों ने मिलकर ये ड्रामा किया था। देखो बेटा, ऐसा है कि गेम जो भी खेलना है खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई हार जाए तो उस पे हंसना नहीं चाहिए, थोड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए, समझी ना? अब तुमको लग रहा है ना कि तुमसे भी गलती हुई, तो जा बेटा, जाओ जाके माफी मांगो दीदी से।
दीदी मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी। Oh God, Milan. AG, हमको तो पता ही नहीं था आप इतने दिमाग वाले हैं। अरे हम तो पहले से ही दिमाग वाले हैं ना, इसलिए तुम्हारे जाने के बाद तुरंत हमने दूसरी शादी कर ली। आयो दादा, हमें पता ही नहीं था आप इतने दिमाग वाले हैं और बुद्धि वाले भी। दिमाग वाले और बुद्धि वाले में कोई डिफरेंस है क्या? सेम था। हमारे पापा हजारों में एक हैं। थैंक यू। अरे क्या इतने खुश हो रहे हैं? क्या इतनी छोटी बोली लगाई है? अम्मा ठीक है, थोड़ा बढ़ा देती हूँ। हमारे पापा 1,500 में एक हैं। आयो दादा, ये क्या 1,000-1,500 में अटकी हुई हो? बोलो, तुम लोगों के पापा लाखों में एक हैं।